वालेकुम, दिस इज़ उर्वा फ्रॉम उर्वा 721 मार्केटिंग। उर्वा 721 मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइमली आपको मौसूल होती रहें। आज का ये विजिट स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते चलें। इस टाइम मौजूद हैं हम ब्लूवर्ड सिटी डिफेंस रोड पे, स्पोर्ट्स वैली का, जहाँ पे अभी गेट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, विकेट्स की इंस्टॉलेशंस वगैरह की जा रही हैं, उसका वो आरजी गेट जहाँ से इसको एक्सेस दी जा चुकी है, इस साइड पे मौजूद हैं। और इस साइड से चक्री तक का विज़िट हम आपके लिए लेकर आए हैं। चक्री रोड के ऊपर जो गेट नंबर 1 और 2 है, वहाँ तक हम आपको इसका विज़िट करवाएंगे। आज के जो इस विज़िट का पर्पज़ है वो आपके साथ मैं शेयर करती चलूँ कि काफ़ी सारे क्लाइंट्स आरडीए के एक्शन के बाद कुछ इनसिक्योरिटीज़ का शिकार हो चुके हैं, अपनी इंस्टॉलमेंट्स को पे नहीं करना चाह रहे, मज़ीद किसी भी तरह की पेमेंट्स को ब्लूवर्ड सिटी में मैच्योर नहीं करना चाह रहे इंस्टॉलमेंट की मद में। तो तमाम तरह उन क्लाइंट्स के लिए इस विज़िट को बनाने का मकसद ये है कि नवंबर 2018 में इस प्रोजेक्ट को अगर मार्केटिंग कंपनीज़ ने एज अ प्रोजेक्ट लिया, उसके बाद तमाम तर क्लाइंट्स जो उस टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट करके आज तक इस ब्लूवर्ड सिटी के सफ़र में साथ साथ हैं, अगर उस टाइम उन्हें इनसिक्योरिटीज़ नहीं थी जब ये 5500 कनाल से स्टार्ट होने वाला एक प्रोजेक्ट जिसे जर्नल ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक से स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करवाया गया। डे फर्स्ट से ब्लूवर्ड सिटी को मार्केट में अप्रिसिएशंस भी मिली और उसके साथ साथ ये मार्केट में इससे रिलेटेड कुछ रूमर्स भी रहीं। रीसेंट एक्शन के बाद से अभी तक क्लाइंट्स के माइंड में एक इनसिक्योरिटीज़ हैं कि शायद ब्लूवर्ड सिटी के इस प्रोजेक्ट को क्लोज करके मैनेजमेंट कहीं चली जाएगी। तो डे फर्स्ट से जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया, ब्लूवर्ड सिटी को डील करना शुरू किया, तो हमें भी इस तरह की कॉल्स वगैरह मौसूल होती थी कि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट को डील कर रहे हो जिसकी मैनेजमेंट अपना सारा पैसा बाहर के ममालिक में सेव करें और वो यहाँ से भाग जाएंगे, इसका जो गेट नंबर 1 है इसको रेंटल बाय किया जा चुका है, जो लैंड है जिसके ऊपर इस गेट को इंट्रोड्यूस करवाया गया वो कोई रेंट की ज़मीन है और उसके ऊपर इस गेट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले 4 सालों से मुसलसल सुनते आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, आम भी इधर ही हैं, ब्लूवर्ड सिटी मैनेजमेंट भी इधर ही है और वो गेट भी इधर ही, और कोई रेंटल ज़मीन नहीं थी, कोई ऐसा सीन नहीं था। बस बात वही है कि जिसे अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे उसे इज़्ज़त तो खुदा की ज़ात अता करती है, लेकिन उससे रिलेटेड लोगों को इनसिक्योरिटीज़ भी रहती हैं, जो इसकी सराउंडिंग के प्रोजेक्ट्स थे वो हमेशा ऐसे इनसिक्योरिटी।
इस लैंड को आपको दिखाने का मकसद ये है कि ब्लूबर्ड सिटी 5500 कनाल की ज़मीन पे जब स्टार्ट किया गया, ब्लूबर्ड सिटी मैनेजमेंट ने इतना लंबा एक सफ़र तय किया है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की है, ब्लूबर्ड सिटी मैनेजमेंट की अरबों की इन्वेस्टमेंट्स, क्लाइंट्स की अरबों की इन्वेस्टमेंट्स। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें आपको ब्लूबर्ड सिटी की लैंड से मुतारफ़ करवाएँ, प्रॉपर ऑन ग्राउंड जाकर आपको सारी की सारी लैंड दिखाएं। आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि अगर ये ज़मीन 2 लाख कनाल से एक्सटेंड हो चुकी है तो अब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है कि प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर दिया जाएगा या फिर किसी के हैंडओवर नहीं किया जाएगा, या अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट देना भी चाह रहे हैं तो आप सिर्फ़ इसलिए डर रहे हैं कि ये एक्शन हुआ है उसके बाद इस तरह की गॉसिप्स चल रही हैं मार्केट में ब्लूबर्ड सिटी से रिलेटेड, काम काज में किसी भी तरह की कोई कमी आई है या इसकी मार्केट डाउन हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ब्लूबर्ड सिटी एक ऐसा वाहिद प्रोजेक्ट है कि मार्केट चाहे जिस तरह की भी सिचुएशन में जा रही हो, इस प्रोजेक्ट की सेल परचेज चल रही होती है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स स्पोर्ट्स वैली की फर्स्ट बैलेट के लिए 50% की पेमेंट्स को क्लियर करना भी चाह रहे हैं, लेकिन इस एक्शन के बाद अभी तक वो इस परेशानी में हैं कि पता नहीं ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा नहीं होगा, कहीं उनकी पेमेंट्स वेस्ट ना हो जाएँ। तो ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप अपनी पेमेंट्स को क्लियर करें, आप इसकी फ़र्स्ट बैलेट का पार्ट ज़रूर बने। इसके फ्रंट लाइन के जो ऑप्शंस हैं, आज हमने अपने विज़िट का जो आगाज़ है स्पोर्ट्स वैली डिफेंस रोड से स्टार्ट लिया है और हम चक्री रोड तक इसको बनाकर आपके साथ ये शेयर करना चाहेंगे कि आप इसकी सराउंडिंग में ये चेक करें लेफ़्ट राइट कितनी बड़ी लैंड ब्लूबर्ड सिटी एक्वायर कर चुका है। ये जस्ट दिखाने की हद तक नहीं है। अगर कोई भी सोसाइटी किसी दूसरी जगह पे अपने बोर्ड्स अपने बैनर्स वगैरह को लगाएंगे आवेज़ा करेंगे तो डेफिनेटली कोई भी ये अलाउ नहीं करता कि आप किसी दूसरे की ज़मीन पर अपने बैनर्स वगैरह लगा के लैंड को शो करवा दें कि ये हमारी ज़मीन है, ऐसा नहीं होता। ब्लूबर्ड सिटी की सराउंडिंग में काफ़ी सारे छोटे छोटे टाउन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने ये चीज़ें की हुई थी कि रोड्स के ऊपर अपने बैनर्स वगैरह लगाए थे, बट जब RDA ने एक्शन लिया तो वो सारे बैनर्स वो सारे बोर्ड्स वहाँ से तोड़ फोड़ कर गिरा दिए गए। ये सारी की सारी लैंड ब्लूबर्ड सिटी की मालकियत है, ब्लूबर्ड सिटी के नाम पर ट्रांसफ़र है। फर्दर हम जितनी भी वीडियोज़ करेंगे उसमें हम आपके साथ इसके जितने फर्दर ब्लॉक्स होंगे, चाहे वो अवामी का ब्लॉक है उसकी लैंड है, डाउन टाउन मोटरवे के साथ जो लैंड है, वो सारी की सारी लैंड्स आपको मुतारफ़ करवाएंगे, ताकि आपको इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि जहाँ पे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की है वो एक बहुत ऑथेंटिक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे लैंड्स की अवेलेबिलिटी है और इंशाल्लाह ये आपको डिलीवर भी होगा, इसलिए आप किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी का शिकार मत हों। ब्लूबर्ड सिटी से रिलेटेड किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्काउंट्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए या हमारे ऑफिस विज़िट कीजिए।